नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब चारों तरफ अफरा तफरी और भय व्याप्त था और कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना से मरने वाले परिजनों को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी ये घोषणा सिर्फ हवा हवाई साबित हो रही है। 20 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा करते हुए ऐलान किया था कि प्रदेश में कोरोना से मारे गए लोगों के परिवारों को सहायता के तौर पर 1,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लगभग 4 महीने गुजरने के बाद भी छतरपुर जिले में किसी भी कोरोना मृतक परिवार को यह राशि नहीं मिली है। जिला प्रशासन के पास इस तरह की किसी भी योजना का कोई निर्देश भी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने मई के महीने में ही एक अन्य योजना का ऐलान किया था, जिसके माध्यम से ऐसे बच्चों को सहारा देने की कोशिश की जा रही है जिनके माता या पिता उन्हें छोड़कर चले गए हैं। कोविड-19 बाल कल्याण योजना के माध्यम से 18 साल से कम आयु के बच्चों को उनके माता या पिता के गुजरने के बाद 5,000 रुपए महीने की छात्रवृत्ति दी जा रही है। छतरपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग को ऐसे 15 बच्चों को सहायता दिए जाने के आवेदन दिए गए थे। जिला स्तरीय समिति ने इन आवेदनों की जांच कर पात्रता के आधार पर 12 बच्चों को योजना से लाभान्वित करने के लिए चुना है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर उस बच्चे ने अपने माता पिता को खोया है तो प्लीज़ जो उनके गार्जियन हैं उनसे हमारी बिल्कुल प्रार्थना है कि उस बच्चे को बिल्कुल भी अकेला महसूस ना होने दें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, उस बच्चे की आर्थिक संबल, उसको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए तो सरकार प्रयास कर रही है। भावनात्मक और फैमिली सपोर्ट देने के लिए जो उसके गार्जियन का चयन किया गया है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की बिल्कुल आप बहुत अच्छे से देखभाल करें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको कुछ समस्याएँ हो रही हैं या आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसके अलावा भी कुछ और हमें सर्विसेज की या कुछ और आवश्यकता है, तो मैं ऐसे गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि आप हमसे जिला कार्यालय से, बाल कल्याण समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी अपील मैं उन बच्चों से करूंगा जिनको कि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है, तो मैं उन बच्चों से चाहूँगा कि बच्चों ये जो है ये आपके लिए एक छोटी सी राशि शासन द्वारा दी जा रही है। वास्तव में आपको जो फैमिली सपोर्ट मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके जो आपके गार्जियन नियुक्त किए गए हैं, प्लीज़ आप उन बच्चों, उन गार्जियंस को आप अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों की ही तरह सम्मान करें।